अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी जनाब, क्या हाल है सब लोगों के। ये रही नैना की रूबीन। नहीं डरना नहीं है, खून नहीं पी गया है किसी का। नहीं, लिपस्टिक लगाई है, वो भी लाल कलर वाली। क्यों लगाई है? क्योंकि लाल जोड़ा पहना हुआ है। क्यों पहना है? क्योंकि पंजाब जा रही है फाइनली दी। कराची चंद दिन सुकून करेगा। कराची का बड़ा वाला रोड रोलर जा रहा है पंजाब। क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, कुछ नहीं पता। इसके लिए इतनी फ्लिपें मारी थी, मैं पंजाब जा रही हूँ, मैं पंजाब नहीं जा रही हूँ, मुझे इसने रोका है, मुझे उसने रोका है, मुझे किसने रोका है, किसने रोका है। उसके बावजूद भी अब फाइनली पंजाब जा रही है, लोगों के जज्बात से खेल खेल के। पहले कहा था मैं पंजाब इसलिए जा रही हूँ कि मेरे ऊपर छोटी बाजी ने बातें की हैं, तो मैं दिल बर्दाश्त होकर पंजाब छोड़ के जा रही हूँ। समझ में नहीं आई थी ये वाली बात वैसे। फिर उसके बाद जो है मुझे सब्सक्राइबर्स ने रोक लिया कि आप पंजाब नहीं जाएंगे, फिर मैं रुक गई। लेकिन ये इतना टेम्परेरी रोका, जितने टेम्परेरी सब्सक्राइबर्स थे उतना टेम्परेरी रुकना था। फिर फाइनली असल में बात ये थी कि पंजाब इन्होंने जाना था अपने किसी काम से जा रही हैं, और लोगों को ऐसे इन्होंने कॉन्टेंट लिया हुआ एक लंबा रबड़ वाला, जैसे इनकी आदत है गंदा चुंगम खींचते रहते हैं। और उसके अलावा पंजाब जाने से पहले रुबीना ने सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। क्या बात है, कितना बड़ा दिल है भाई। जितना बड़ा मुंह है उतना बड़ा दिल नहीं है, दिल ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने कहा है कि जिसने मेरे ऊपर जो जो बात करनी है करता रहे, मुझे और ज़्यादा ग्रो करें, मुझे सेलिब्रिटी बनाएं, और आप लोग मुझे मेरा जिक्र करेंगे तो मैं और ज़्यादा मशहूर हो जाऊँगी, तो इसलिए मेरा जिक्र करते रहें, मेरे बारे में बात करते रहें। मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूँगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी, जो भी मेरे बारे में बात करेगा करता रहे, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं पंजाब जा रही हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि सब ठीक हो जाए, और मैं दुआ करती हूँ पूरे जहान के लिए दुआएं हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि मैं खैर खैरियत से पहुँच जाऊँ। मैंने ये वाली दुआ वैसे पहली दफ़ा सुनी। और जी बालकनी में खड़ी होकर इतनी सारी दुआएं, पूरे जहान की लड़कियों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं। पता नहीं क्या हो गया आज, कौन सी कोई बड़ी वाली दवाई की गोली खाई हुई थी, मतलब दुआओं वाली सरकार ने आज काफ़ी दिन बाद खड़े होकर वहाँ पे दुआएं ज़रा ज़्यादा लंबी वाली कर ली फुटेज दुआओं की। और उन्होंने बताया कि वो पंजाब जा रही हैं, पंजाब जा रही हैं, पंजाब जा रही हैं, और फाइनली पंजाब जा रही हैं। पंजाब जाने से पहले जी है जो उन्होंने व्लॉग तो बनाना था ना, उसको लंबा करके रिक्शे में काफ़ी सारा फुटेज लिया, और जो गंदा वाला मैला वो टाइगर प्रिंट वाला था ना, पहले तो एक साल हो गया मेरे ख्याल में हर ब्लॉग में फ्रिया ने पहना होता है, अब मेरे ख्याल में फ्रिया ने नया ले लिया, तो फिर उसने ये वाला रुबीना को दे दिया। मतलब उतरन पहनने की आदत नहीं गई, हाँ इतना आगे चली गई, इतना पैसा आ गया, इतनी बदनामी भी ले ली, और छोटी बाजी से मुकाबला भी कर लिया। यार क्या छोटी बाजी से मुकाबला कर, एक साफ नज़र आ रहा था तीन मासियां मिलके डॉलमिन मॉल आ रही हुई हैं, और वो सिर्फ मोबाइल से वीडियो बना रही हैं, ये देखें ये फ्रॉक कितनी अच्छी है, ये कपड़े कितने अच्छे हैं, मॉल कितना प्यारा है, डॉलमिन मॉल कितना प्यारा है, ये फ्रॉक भी बहुत प्यारा है, ये साड़ी भी बहुत प्यारी है, और ये देखें ये फरिया है। और सब्सक्राइबर जो मिली ना, इतना फनी सीन था, वो सब्सक्राइबर नैना के खुश आमदे की है, जब उसने रुबीना से बोला, अरे रुबीना वीडियो में दूर से उसको बोल बोल के ना, वो सदके वाली है, जैसे वो वाली नहीं जाती जो बड़ी होती है, मतलब जब उसके छोटों को मिल रहा होता है ना कुछ, तो फिर बड़ी जो है वो दूर दूर से बैठ के सदके वाली हुई जा रही होती हैं, तो वो भी वैसे ही हुई जा रही थी, और वो भी इनसे ज़्यादा लिचड़ वाली कोई थी सब्सक्राइबर, अपने चैनल की प्रमोशन के लिए कह रही थी। तो रुबीना ने काफ़ी सारी उसकी वीडियो बना ली, और उसने कहा ये देखें ये इतनी प्यारी सब्सक्राइबर है, मतलब सब प्यारा ही होता है सिवाय इनके अपने। उसके बाद डॉलमिन मॉल में घूमी है ये, इन्होंने विंडो शॉपिंग की, और रुबीना को हर एक चीज़ पसंद आई है, लेकिन उसने ख़रीदा कुछ भी नहीं। मलक नाम का कोई ब्रांड था, तो वहाँ से कुछ दो थैले पकड़े हुए थे नैना ने, कि सिर्फ इसलिए मैंने खरीदे हैं कि ये मलाक के नाम से है। अच्छा चले, उसके बाद जो है हर चीज़ को हाथ लगा के रुबीना ने बताया कि ये अच्छी है और ये सॉफ्ट है, पर लिया कुछ भी नहीं। और जब नैना ने कहा कि ये पर्स ले लो, तो उसने कहा मेरे पास बहुत सारे पर्स हैं, बहुत सारे पर्स हैं भाई, छोटी बाजी के दिए हुए, छोटी बाजी ने सारे पर्स उसको अपने दिए थे, और छोटी बाजी का नाम नहीं लिया, छोटी बाजी को शॉर्ट आउट नहीं देना, छोटी बाजी को शाउट आउट और फुटेज और इम्पॉर्टेंट नहीं देना, जितनी देनी थी वो दे ली है। अब जो है छोटी बाजी ने नया क्या निकालना है इस पंडारा बॉक्स से, शायद इसलिए जा रही हो कि नदीम से कहे कि वो छोटी बाजी से बात करे, क्योंकि छोटी बाजी का ट्रेलर था नदीम और वो उससे बात करती थी, तो ये भी नैना ने उसको टॉन्ट किया था कि आप नदीम मामू से भी बात करती थी और आप मेरे हस्बैंड से भी बात करते थे, तो अगर मैं किसी आदमी के साथ बात करती हूँ, ये मेरी माँ कुक के साथ बात करती थी, तो आपको इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो लालम लाल लिपस्टिक लगा के ये लोग गए हैं अलीना के घर अफ्तारी करने के लिए। अलीना के घर उन्होंने
पूरे कराची के पकोड़े इनके सामने रखे हुए थे, 3-4 डिज़ाइन के पकोड़े, समोसे और रोल बना दिए। मेरे ख्याल में ये इफ्तारी भी इमरजेंसी थी, मैं थी, किसकी डिमांड पे है पता नहीं। नैना ने बोला था कि वो बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही है कि तुम लोग इफ्तारी पे आ जाओ इससे पहले कि अम्मी पंजाब जाएँ। रुबीना ये कह रही थी कि मैं ईद वहाँ पर करूँगी और ये लोग सारे ईद की दूसरे दिन आएंगे ईद की टिकट्स करा के। सलमा का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ये था कि इसने बोला कि मैं अम्मा वजीरा ने पैसे भेजे हैं, अम्मा वजीरा ने मुझे कहा है तुम जाओ। अम्मा वजीरा जो है रुबीना से 6 महीने छोटी होगी, उसकी सौतेली माँ उसको अम्मा वजीरा, अम्मी, रुबीना को अम्मी ने पैसे भेजे हैं। तो भाई इससे सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बीच में अपना हिस्सा काटती हैं माँ बेटियाँ, बहुत चालू हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनके हाथ में पैसे रखेगी। देख रहे थे वो बड़ी सी चाबी फरियाई लेके घूम रही थी, वो सभी अपना भाई पैसों के मामले में तो सबको क्लियर और तेज़ होना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, इसने जो है वहाँ जाके नाप लेने हैं लड़की के, ये इसलिए वहाँ पे जा रही है। अरे उसको यहाँ यूट्यूब पे वो बैठी है, यहीं पे उसका नाप ले लो, वैसे भी आपके सारे काम यूट्यूब पे होते हैं। इतना खर्चा करके टिकट लगा के पिज़्ज़ा लेके पंजाब जाने की क्या ज़रूरत है। तो लड़की यूट्यूब पे बैठी है, वो सब दे रही है खुद ही बैठ के, तो अपना नाप भी दे देगी, उसको क्या मसला आएगा। वो वैसे पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटी है, हीड़ा पीड़ा, तो वो जितना बड़ा उसका मुंह है ना आजकल खुल भी उतना गया। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसको भी चेक करती हूँ, तो नाप तो यहीं पे मिल जाएगा यूट्यूब पे। लेकिन अपने काम से जा रही है, यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि अम्मी वजीरा ने मुझे भेजा है, तुम जाओ शॉपिंग करो और तैयारी करो। बड़ी भी बन रही है और इसको जो है वो अपने ले आएंगे इस औकात के ऊपर, लोगों का यही काम है। अच्छा, उसके बाद यही था मतलब पंजाब जाने की वो रीज़न बता रही है। वो उस नैना ने बोला था कि हम भी वहाँ से फ्रेश हो जाएंगे, तो मुझे तो इनकमिंग डेज क्या एक्सपेक्ट करें हम, आने वाले व्लॉग्स हमें पंजाब की फेलियों में नज़र आएंगे। और लोग मुझे कॉमेंट्स में भी किसी ने बता रहे थे कि अबाया जो है वो कराची रह गया। भाई अबाया जो है ना वो इसलिए होता है कि ये यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड लगे, मतलब अच्छी हाई क्लास लगे, मतलब वो जो अब 2 पीस वाले सूट इन्होंने पहने हुए होते हैं 800-900 रुपये वाले जो सूट लेके, वो नीचे से ना नज़र आए। सूट का दुपट्टा तो होता नहीं बेचारी का, इसलिए ऊपर से अबाया पहन लेती है ताकि मैं ज़रा ना वो सेठानी लगूँ। शायद छोटी बाजी भी बाहर जाती होगी तो अबाया पहन के जाती होगी। छोटी बाजी का भी आके बताया कि रुबीना अपनी इस अमीरों वाली ज़िंदगी में कितना छोटी बाजी को कॉपी करती है। और वैसे छोटी बाजी के पास रुबीना की कहानियाँ बड़ी होंगी, हाँ मज़ा आएगा अगर आके सुनाए कभी। लेकिन छोटी बाजी अपने कन्वीनियंट से आ रही हैं, कुछ जमा कर रही हैं, कुछ माइनस कर रही हैं, डोंट नो, उनको कोई कहता नहीं है आप आएँ। वैसे वो खुद ही कम्युनिटी लगाती हैं उन्होंने, जैसे अभी लास्टली हुआ था, तो अभी देखें नेक्स्ट उनको कौन पुश करता है, पुल करता है, कौन बुलाता है, कौन कहता है कि आ जाएं और नवा कट्टा खोल दें। अभी तक फ़िलहाल के लिए खामोशी है, उन्होंने कहा था मैं रमज़ान के बाद आऊँगी, तो कम्युनिटी वैसे लगा दी और उनकी कम्युनिटी के ऊपर रिएक्ट कर दिया नैना ने। तो मेरे ख्याल में इसलिए उन्होंने वो वीडियो बनाई है, तो रमज़ान के बाद उन्होंने वादा कर रखा है आने के लिए। देखें क्या क्या खोल के रखती हैं वो रमज़ान के बाद रुबीना का। फिर देखते हैं ये लाल लिपस्टिक जो है ये और ज़्यादा डार्क होती है या फिर उतर ही जाती है और वापस अपनी जगह पे आ जाती है। अभी तो भाई वो फुल रेडी हो गई लाल सूट क्या बोलते हैं इसको हम, हमारे यहाँ लाल लगामे, तो लाल लगामे लगा के जो है वो पंजाब जा रही हैं। तो आने वाले व्लॉग्स जो हैं वो आपको पंजाब में वो म्यूज़िक भी बन रहा है, बज रहा है बैकग्राउंड में DDLJ का, या ये हुमायूं सईद वाली फ़िल्म का पंजाब नहीं जाऊंगी वो बन अपनी तरफ से मैं वजह याद बनी तो फाइनली पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब चली गई है। अब वहाँ पे जाके वो नई फैमिली के साथ भी मीटअप होगा और पुराने वाले रिश्तों के भी। वैसे मैंने क्योंकि ये वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं लेट्स सी किस किस के घर में पंजाब में जाती हैं। नदीम भाई के घर में ये जा रही होंगी, तो वहाँ से बैठ के हमें दिखाएंगी ये खेत हैं और ये पत्ते हैं और ये इनकी डंडियां हैं, अरे वाह इसके ऊपर तो फूल भी हैं, वाह भाई कितने हरे भरे खेत हैं, हाँ वेरी फनी। अब वो जो जितना खाना लेके दिया है ना बेटी ने साथ सफ़र में, वो भी अल्लाह रहम ही करे इस तरह की, वैसे सफ़र में इतना ज़्यादा खाना पीना जो है वो सही नहीं होता। तो कराची से मेरे ख्याल में इतना लंबा सफ़र नहीं है, 10-12 घंटे का ही है इनके गांव तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एनीवेज लेट्स सी आगे वाली कहानियाँ कहाँ तक आती हैं। अम्मा वजीरा ने इनको भेजा है मिशन के ऊपर, वो वाला रिश्ता जो लड़के लड़की ने आपस में तय कर लिया था, उस रिश्ते को पक्का करने के लिए रुबीना जा रही है।
अरे इसको देख के दरवाज़ा भी खोलते हैं वो लड़की वाले या नहीं। एनीवेज़ ये था आज का रुबीना का व्लॉग, और आने वाले जो व्लॉग्स होंगे वो पंजाब के होंगे तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन देखें ना, इन्होंने थंबनेल में लगाया है कि मैं भाई के रिश्ते के कपड़े और ये सब करने के लिए जा रही हूँ। अभी अंदर से जो है वो कुछ और निकलेगा, हो सकता है कि नदीम के पास ही गई हो और ये और नदीम भाई दोनों मिलके छोटी बाजी को कोई माफ़ी तलाफ़ी कर लें ऑफ द कैमरा। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ जो छोटी बाजी हैं वो उस बात को भी ऑन द कैमरा ले आएंगी। अभी वो बहुत तेज़ हो गई हैं, वो पहले वाली छोटी बाजी नहीं है। देखा था कैसे रुबीना के कॉल नैना के कॉल रिकॉर्ड करके उन्होंने फटाफट लगा दी, और फिर उसके बाद जो है नैना की हालत थी जब वो लाइव में आई हुई थी ना, तो ये तो फिर होगा उसको क्या बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ तो बस फिर ठीक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अनवर चाचा और वो छोटी बाजी वाला मामला दब गया है, तो वो अभी नहीं, वो आएगा और ये स्लोली स्लोली आएगा। अनवर चाचा तो वो पहले भी इनको कुछ नहीं कह रहा था, अभी भी कुछ नहीं कह रहा। ये इन्होंने ख़ुद से बनाया है, सिर्फ सलमा के कहने के ऊपर अनवर चाचा का नाम लिया है कि वो बार बार सलमा और असगर के बारे में बात कर रहा था। तो उसको भी ज़रा पकड़ में ले लें, और कोई बात नहीं। चलें अब इंतज़ार रहेगा मुझे कि छोटी बाजी नया क्या निकालती हैं, और पंजाब जाने की असल वजह क्या है वो भी सामने आ जाएगी। क्योंकि इनका कुछ पर्सनल या हिडन नहीं है, ड्रामा ये बहुत करते हैं, हम अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं लाएंगे। जैसे ये बोलते हैं फिर उसके नेक्स्ट डे ये पर्सनल चीज़ें लेके आ जाते हैं।